बिल्कुल तुसी जो कह रहे हो सही कह रहे हो कि अज देश दे लोग कह रहे हैं, आम जिहड़ा बंदा है वो कह रहे, आम नागरिक कह रहे हैं कि जिहड़ी ये जिहड़ी बदलाखोरी की राजनीति, जिहड़ी ईडी का जिहड़ा इस्तेमाल केंद्र की सरकार जिहड़ी कर रही है, ये उन्हां दी अपनी निजी कंपनी बन चुकी है जीडी। अज ईडी के माध्यम के नाल देश दे विच जिहड़ी जिहड़े लोग देश हित की गल करते हैं उन्हां दे उत्ते ईडी का शिकंजा कसया जाता है। पर मैं पूछना चाहना केंद्र सरकार दे कोलों, अगर ईडी ने कार्रवाई करनी है, अगर ईडी देश दे विच अच्छा काम कर रही है तो जिहड़ियां पंज स्टेटां दे विच मिशन लोटस दे नेतृत्व दे विच जिहड़ियां सरकारां बनाईआं गईआं सी, अज तक उन्हां दी इंक्वायरी कोई नहीं की गई। अज केंद्र दे विच बड़े जिहड़े घपले करके वड्डे वड्डे मंत्री बैठे हुए, अज उन्हां दी इंक्वायरी कोई नहीं हो रही। इस करके देश दे विच इह सिर्फ ते सिर्फ एक बलाड़ दी राजनीति है। अज 2024 दा जिहड़ा रथ है वह नरेंद्र मोदी का रुकन वाला है, अगर उन्होंने रथ नूं कोई रोक सकता है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम। एमएलए साहब, पर बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि भ्रिष्टाचार को खत्म करने के दावे के नाल आम आदमी पार्टी सरकार दे विच आई, तो कहते हैं कि हुण भ्रिष्टाचार के दोष के तहत ही एक एक करके इन्हां दे लीडर अंदर जा रहे हैं, किवें देखते हो? तुहाडे चैनल के माध्यम से मैं पिछले दो दिन तो देख रहा, तुम दसो कि रिकवरी की है, किस चीज़ के माध्यम से फड़ रहे हैं? अपने घर की ईडी है, अपने घर की कंपनी है, वो कितने भी ईडी चल सकती है, ईडी कितने भी जा सकती है। अगर ईडी अज सच्चा काम कर रही है, ईडी अगर देश के हित च काम कर रही है, मैं पूछना चाहना जी पांच स्टेटों के मिशन लोटस के नेतृत्व के जिहड़ियां सरकारां बनियां उत्थे ईडी ने कौन काम किया? अज पूछना चाहना करोड़ों रुपया लगा के एक एक एम पी एक एक एम एल ए खरीदया जाता है, वो पैसा कितों आता है? उत्थे ईडी ने इंक्वायरी कौन की? अगर अज उन्हां दे मंत्री घोटाले कर रहे हैं, कोई रोड का घोटाला कर रहा, कोई स्कैम वड्डे तो वड्डा स्कैम आ रहा रोज़, अज उन्होंने उत्ते इंक्वायरी की कोई जा रही? ये सिर्फ तो सिर्फ 2024 जाने तो बाद यह मैं देश के लोगों को एक अपील करना चाहना कि उस इंसान को वोट पाइयो जो देश के लिए जो काम कर सकते हैं। अगर अज देश के हित लोगों की आवाज़ में कोई बुलंद कर सकता है और अरविंद केजरीवाल, अगर दिल्ली के जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, अगर पंजाब के लोगों ने जो वादा किया अज एक एक वादे के उत्ते खरा उतर रहे हैं, उस ही वादिया के उस ही काम के उत्ते अज केंद्र की जी सरकार है डरी पई। ऑपरेशन लोटस की पहले भी गल की, हूँ भी गल की है, पर होने वाली भाईवाल पार्टी कांग्रेस पार्टी विरोधी धिर नेता प्रताप सिंह बाजवा दावा कर रहे हैं कि तुहाडी पार्टी के 30 तो ज्यादा एम एल ए ने उन्होंने हक ने, जिदा ही गठबंधन लोग सभा की चोण होगी जितने तो बाद पंजाब च कांग्रेस जी सरकार है जी बदल देनी। उन्होंने को कहने का मतलब है कि 32 एम एल ए को है। अब मैं तुहाडे चैनल के माध्यम कह देना कि मेरे को 17 कांग्रेस के एम एल ए मेरे को आने तैयार है, यहाँ कोई जवाब है? यदा कोई जवाब नहीं है कि सिर्फ तो सिर्फ लोगों के लिए, लोगों के पंजाब के लोगों को गुमराह करने के लिए, पंजाब के लोगों को झूठ करके ते अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कि मेरी फेसबुक के फॉलोअर वध जाण, ये उस करके मैं कहना कि पंजाब के लोगों को जवाब देना चाहिए कि जिहड़े लोग कोई गल का कोई अर्थ ना हो, उदां दे एडे वड्डे राजनीति लोग जिहड़े किन्नी वारी एम पी रहे, किन्नी वार मिनिस्टर रहे, अज पंजाब दे विच विधानसभा के ओपोजिट का लीडर है, इदां दे बयान देना मैनूं लगता नहीं शोभा दिंदा। बाकी जिस टाइम सत्ता दे विच गल आएगी, अज लड़ाई है देश के लोगों को बचाने की, अगर अज देश के लोगों को बचाना तो मोदी को बचाना पड़ेगा। इस करके मोदी को देश को बचाने के लिए अज जिन्नियां भी पार्टियां इकट्ठियां होनियां पैण, उन्होंने लोगों को इकट्ठे होकर ही अज देश को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के इस हिंदुस्तान के जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को। कांग्रेस नाल गठबंधन